सेक्रेटरी लोकमंच जम्मू रीजन, हमने आज जो सिंबॉलिक प्रदर्शन रखा है, ये जो गवर्नमेंट ने नया आर्डर निकाला है पंचायती राज में तरमीम करके कि गांव में रूरल में जो लोग भी कोई अपना आशियाना बनाना चाहते हैं उसके लिए उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी, पटवारी के पास जाना पड़ेगा, ग्राम सेवक के पास जाना पड़ेगा और आखिर में सरपंच, ये तीनों मिल करके उनसे परमिशन लेना पड़ेगी, नक्शा पास कराना पड़ेगा। तो ये एक गवर्नमेंट ने भ्रष्टाचार को बढ़ाने का तरीका जो है वो अपनाया है और रूरल में गाँव में लोगों को तंग करने का, लोगों को हरासमेंट करने का एक ये तरीका बनाया है। और जजिया, इस पर जजिया लगा दिया जाएगा और जजिया जो है वो हमारे लोगों से वसूल किया जाएगा। और दूसरा, हम ये डिमांड करते हैं कि एक तो फौरी तौर पर ये कानून जो है वो वापस लिया जाए और दूसरा यूनिवर्सिटी लेवल तक ये जो एजुकेशन है ये सभी लोगों को फ्री मिलनी चाहिए और बिजली पानी जो है ये भी फ्री मिलनी चाहिए। अगर केजरीवाल दिल्ली की सरकार अगर फ्री बिजली पानी दे सकती है तो हमारे सिन्हा साहब ये क्यों नहीं दे सकते। और इसके साथ अगर गवर्नमेंट ने ये कानून वापस नहीं लिए, इन लोगों की मांगे नहीं मानी, तो हम गांव-गांव में जाकर के एक दिन जहां जम्मू में बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। सेक्रेटरी लोकमंच जम्मू रीजन, हमने आज जो सिंबॉलिक प्रदर्शन रखा है, ये जो गवर्नमेंट ने नया आर्डर निकाला है पंचायती राज में तरमीम करके कि गांव में रूरल में जो लोग भी कोई अपना आशियाना बनाना चाहते हैं उसके लिए उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी, पटवारी के पास जाना पड़ेगा, ग्राम सेवक के पास जाना पड़ेगा और आखिर में सरपंच, ये तीनों मिल करके उनसे परमिशन लेना पड़ेगी, नक्शा पास कराना पड़ेगा। तो ये एक गवर्नमेंट ने भ्रष्टाचार को बढ़ाने का तरीका जो है वो अपनाया है और रूरल में गाँव में लोगों को तंग करने का, लोगों को हरासमेंट करने का एक ये तरीका बनाया है। और जजिया, इस पर जजिया लगा दिया जाएगा और जजिया जो है वो हमारे लोगों से वसूल किया जाएगा। और दूसरा, हम ये डिमांड करते हैं कि एक तो फौरी तौर पर ये कानून जो है वो वापस लिया जाए और दूसरा यूनिवर्सिटी लेवल तक ये जो एजुकेशन है ये सभी लोगों को फ्री मिलनी चाहिए और बिजली पानी जो है ये भी फ्री मिलनी चाहिए। अगर केजरीवाल दिल्ली की सरकार अगर फ्री बिजली पानी दे सकती है तो हमारे सिन्हा साहब ये क्यों नहीं दे सकते। और इसके साथ अगर गवर्नमेंट ने ये कानून वापस नहीं लिए, इन लोगों की मांगे नहीं मानी, तो हम गांव-गांव में जाकर के एक दिन जहां जम्मू में बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे।